आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने पिछले दिनों स्वनिधि स्कीम लॉन्च की थी। जी हां, स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी वालों और हॉकर्स को 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है ताकि वे अपने बिजनेस को विस्तार दे सके। कोरोना काल में रोजगार ठप होने से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को राहत देने के मकसद से यह स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम के तहत अब तक 20,000 लोगों को लोन की रकम जारी की जा चुकी है। तो चलिए जानते हैं क्या है आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको पीएम स्वनिधि योजना की वेबसाइट www.pmswanidhi.mahua.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको अप्लाई लोन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और कैप्चा पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा जिसे दर्ज करना होगा। OTP दर्ज करते ही एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर एलिजिबिलिटी के 4 आधार पूछे गए हैं। इनमें से किसी एक पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बारे में नीचे जानकारी देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब जो पेज खुलेगा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसे भरने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, एप्लीकेशन सबमिट करना होगा और इसके साथ ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। तो वहीं आगे का स्टेटस मोबाइल पर मैसेज के जरिए आप जान सकेंगे। इन लोगों को ही मिलेगा लोन। हालांकि इस लोन को पाने के लिए कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत है। यदि ये दस्तावेज नहीं है तो बनवा लीजिए। दरअसल इसके लिए ये जरूरी है कि आपको शहरी निकाय की ओर से वेंडर या सर्टिफिकेट दिया गया हो। यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो निकाय की ओर से किए गए सर्वे में आपका नाम होना चाहिए। यदि आप सर्वे का भी हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो स्थानीय शहरी निकाय से लेटर लिखवा सकते हैं। यही नहीं, यदि आप किसी वेंडर एसोसिएशन के सदस्य हैं या कोरोना काल में हॉकर्स और वेंडर्स को मिली मदद का लाभ ले चुके हैं तो इसके पात्र माने जाएंगे। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।